अब तक हम तीन इम्पॉर्टेंट पहलू की चर्चा कर चुके हैं। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेजेंटिंग लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद हमने चर्चा की है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और उसके अंतर्गत प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की चर्चा विस्तृत में की गई है। और आखिर में हमने देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिमांड्स। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर की तरफ। सबसे पहले वॉन्ट्स, दो चीज़ें, मीनिंग ऑफ वॉन्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वॉन्ट्स। लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट आर वॉन्ट्स। वॉन्ट्स का मतलब होता है ऑल डिजायर्स एंड मोटिव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। जो कुछ आप पाना चाहते हो उसको हम वॉन्ट कहते हैं। ऑल ह्यूमन वॉन्ट्स हैव सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स जो इस प्रकार है। सबसे पहले वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, वी वॉन्ट मोर। ये चीज़ हमने रॉबिन्स की डेफिनेशन में डिटेल में इसकी चर्चा हो चुकी है। सेकेंड, एवरी वॉन्ट इज सेटिएबल एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। थर्ड, वॉन्ट्स आर कॉम्पिटिटिव, उसके साथ वॉन्ट्स आर कॉम्प्लीमेंटरी, उसके साथ जुड़ा हुआ वॉन्ट्स आर ऑल्टरनेटिव। सिक्स्थ, वॉन्ट्स वेरी विथ टाइम प्लेस एंड पर्सन। सेवन्थ, सम वॉन्ट्स रिकर अगेन। एथ, वॉन्ट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एडवर्टाइजमेंट। एंड नाइन्थ, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सम वॉन्ट्स बिकम हैबिट्स एज वेल एज कस्टम्स इन अ सोसाइटी। क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट्स इंटू थ्री कैटेगरीज। सबसे पहले नेसेसरीज। नेसेसरीज ऑफ लाइफ आर दोज गुड्स एंड सर्विसेस विच आर एसेंशियल फॉर लिविंग और सर्वाइवल, जिसके बगैर हम जी नहीं सकते हैं। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल होगा फूड, क्लोदिंग, शेल्टर। नेसेसरीज ऑफ एफिशियंसी आर दोज गुड्स एंड सर्विसेस विच कीप ह्यूमन बीइंग्स फिट फॉर टेकिंग अप प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, एट टाइम ऑफ इलनेस मेडिसिंस कम टू अस एज नेसेसरीज ऑफ एफिशियंसी। और दूसरी है कन्वेंशनल नेसेसरीज। दीज आर दोज गुड्स एंड सर्विसेस विदाउट द सेटिस्फैक्शन ऑफ विच वी कैन नॉट मेंटेन अवर सोशल इमेज और स्टेटस। फॉर एग्जाम्पल, दहेज की प्रथा, गिविंग डाउरी इन मैरिज और ऑफरिंग टी टू गेस्ट्स। सेकेंड कैटेगरी में कम्फर्ट्स। दे आर दोज गुड्स एंड सर्विसेस विच मेक ह्यूमन लाइफ कम्फर्टेबल। आप इसका नाम देखिए कम्फर्ट्स, और यहाँ पे डेफिनेशन में कम्फर्टेबल, एंड एट द सेम टाइम दे ऑल्सो इंक्रीज एफिशियंसी। फॉर एग्जाम्पल, चेयर और फर्नीचर ऑफ ऑल टाइप्स, फैन एट्सेट्रा। लग्जरीज, दैट इज थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ वॉन्ट। दे रिफर टू दोज गुड्स एंड सर्विसेस विच वेन कंज्यूम्ड डू नॉट नेसेसरीली इंक्रीज एफिशियंसी बट सिंपली इंक्रीज प्लेजर एंड ग्रैंड्यूर ऑफ पीपल हु कंज्यूम देम। फॉर एग्जाम्पल, मर्सिडीज कार, ट्रैवलिंग बाय एरोप्लेन, परचेजिंग वेरी रिच वेरी कॉस्टली बंगलो एट्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं तो सेकेंड पार्ट ऑफ थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। अब हम देखेंगे दूसरे वर्ड की तरफ, यूटिलिटी। यूटिलिटी इज नथिंग बट वॉन्ट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटीज। आप एक सिंपल सा सवाल पूछना है कि गिवन कमोडिटी कैन इट सेटिस्फाई एनी ऑफ माई वॉन्ट। इफ द आंसर इज यस, इट कैन सेटिस्फाई एटलीस्ट वन ऑफ योर वॉन्ट, देन वी से दैट द गिवन गुड और सर्विस हैज यूटिलिटी। सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूटिलिटी कैन बी लिस्टेड एज, नंबर वन, इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये हुआ विद चेंज इन पर्सन, फॉर द सेम पर्सन विद चेंज इन टाइम, फॉर द सेम पर्सन विद चेंज इन प्लेस, फॉर द सेम पर्सन विद चेंज इन सिचुएशन, यूटिलिटी विल डिफर, इट विल नॉट बी द सेम। सेकेंड, यूटिलिटी इज नॉट द सेम थिंग एज यूजफुलनेस। कमोडिटी मे बी यूजफुल टू द सोसाइटी और मे नॉट बी यूजफुल टू द सोसाइटी, बट स्टिल इट मे हैव यूटिलिटी।
एथिकली यूटिलिटी इज अ न्यूट्रल कॉन्सेप्ट. नंबर 3, यूटिलिटी इज नॉट द सेम एज सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड. जब भी हम कोई कमोडिटी कंज्यूम करते हैं उसके पहले मन में एक अपेक्षा होती है कि इस कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद मुझे कम से कम इतना सेटिस्फैक्शन मिलेगा. जब ये कंजम्पशन की प्रक्रिया खत्म हो जाती है तो 3 चीज़ें हो सकती है. रियलाइज सेटिस्फैक्शन इक्वल टू एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, या तो रियलाइज सेटिस्फैक्शन मोर देन एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, या तो रियलाइज सेटिस्फैक्शन लेस देन एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन. एंड नंबर 4, यूटिलिटी इज नॉट द सेम थिंग एज हैप्पीनेस. कई चीज़ें ऐसी होती है जिसको कंज्यूम करना पड़ता है. कंज्यूम करने के वक्त काफ़ी दुख या दर्द भी होता है, फिर भी उन चीज़ों में से हमें यूटिलिटी मिलती है. वेरी गुड एग्जाम्पल इज मेडिसिंस. कोई भी इंसान मेडिसिन दवाएं अपनी इच्छा से नहीं लेता है, मजबूरी में लेनी पड़ती है, लेकिन उसमें एक पावर है टू क्योर यू फ्रॉम इलनेस. यूटिलिटी फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. अब मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. लेट अस नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. थियोरी मीन्स एनीथिंग दैट एक्सप्लेन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. तो 2 शब्द बचे, कंज्यूमर बिहेवियर. लेट अस कॉन्सेंट्रेट ऑन इट. कंज्यूमर बिहेवियर एक्सप्लेन्स आंसर्स टू क्वेश्चन लाइक हाउ विल अ कंज्यूमर रिएक्ट टू प्राइस चेंजेस. अगर कोई कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हो, कम हो रहे हो, तो जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, उसके प्रतिक्रिया कैसी होगी. विल ही परचेस मोर, विल ही परचेस लेस, एटसेट्रा. इट ऑल्सो ट्राइज टू एंसर द क्वेश्चन हाउ मच ऑफ द डिफरेंट कमोडिटीज ही विल परचेस एट गिवन प्राइजेस विथ गिवन इनकम. वी नो ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंज्यूमर, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम हिज परचेस. कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ने के लिए हमारे पास 2 अप्रोच है. आई वुड लाइक टू पुट इट इन फॉर्म ऑफ अ सिंपल चार्ट. ऊपर में लिख रहा हूं थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर. अभी जो 2 प्रश्न आपके सामने रखे थे, मुझे उसके जवाब चाहिए. वो जवाब पाने के लिए मेरे पास 2 अप्रोच है. 2 अप्रोचेस, 2 अलग अभिगम. फर्स्ट अप्रोच इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. उसका दूसरा नाम है और कार्डिनल अप्रोच. एंड सेकेंड अप्रोच इज नोन एज इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. और इस अप्रोच का दूसरा नाम है ऑर्डिनल अप्रोच. नाउ इन मोर डिटेल आई टेक अप द फर्स्ट वन, मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट यूटिलिटी इज मेजरेबल. यूटिलिटी को हम नाप सकते हैं, इस धारणा पे आधारित है. दिस अप्रोच वॉज सिस्टमेटिकली डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल. 2 इंपॉर्टेंट टूल्स ऑफ दिस अप्रोच आर, चार्ट को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं. 2 इंपॉर्टेंट टूल्स, फर्स्ट इज टोटल यूटिलिटी शॉर्ट फॉर्म TU, एंड सेकेंड इज मार्जिनल यूटिलिटी शॉर्ट फॉर्म MU. अब हम एक के बाद एक, सबसे पहले वी विल फाइंड आउट व्हाट इज मीनिंग ऑफ टोटल यूटिलिटी, एंड देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड मार्जिनल यूटिलिटी. शुड नॉट बी डिफिकल्ट. नाम है टोटल यूटिलिटी. टोटल माने कुछ ऐड करना पड़ेगा. यहां पे टोटल यूटिलिटी में हम क्या करते हैं कि यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड प्लस यूटिलिटी फ्रॉम सेकेंड यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड, इसी तरह यूटिलिटी फ्रॉम थर्ड यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड प्लस 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 यूटिलिटी फ्रॉम nth यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड. इसको और सिंपल स्टैटिस्टिकली रखा जाए तो TU इज इक्वल टू
सिग्मा, सिग्मा माने एडिशन ऑफ टी यू आई, आई की रेंज डिफाइन की है फ्रॉम फर्स्ट यूनिट टू एन लास्ट यूनिट, इट कुड एन कुड बी एनीथिंग 100,000, 1 lakh, 1 crore. टी यू इज फॉर टोटल यूटिलिटी. नाउ आई टेक अप सेकेंड वन, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. इट इज डिफाइंड एज चेंज इन टोटल यूटिलिटी बिकॉज ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ कमोडिटी बीइंग कंज्यूम्ड. इसको मैं दूसरी तरफ प्रेजेंट कर रहा हूं. मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एंथ यूनिट इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी फ्रॉम एंथ यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी फ्रॉम एन माइनस वन यूनिट. एग्जाम्पल, मान लो हमें ढूंढना है मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एथ यूनिट ऑफ कंजम्पशन, तो फिर फॉर्मूला इस मुताबिक बन जाएगी, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम एथ यूनिट माइनस टोटल यूटिलिटी फ्रॉम एट माइनस वन, दैट इज टोटल यूटिलिटी फ्रॉम सेवंथ यूनिट. अगर आपको दिया हो कि टोटल यूटिलिटी फ्रॉम एथ यूनिट इज लेट अस से 170 यूनिट्स एंड टोटल यूटिलिटी फ्रॉम सेवंथ यूनिट इज लेट अस से 150 यूनिट्स, देन डिफरेंस ऑफ द टू दैट इज 20 यूनिट्स इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एथ यूनिट ऑफ कंजम्पशन. इन दो फॉर्मूलाज के आधार पे, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, लेट अस हैव अ लुक एट द टेबल रिगार्डिंग हाउ डू वी कैलकुलेट दिस टू वैल्यूज. टेबल में हमने लिया है आइसक्रीम कप्स, 4 कप्स ऑफ आइसक्रीम बीइंग कंज्यूम्ड, सेकेंड कॉलम टोटल यूटिलिटी एंड थर्ड कॉलम मार्जिनल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट कप ऑफ आइसक्रीम 25 एंड द सेम वुड बी मार्जिनल यूटिलिटी फॉर फर्स्ट कप. सेकेंड कप टोटल यूटिलिटी इज 40 यूनिट्स, देयरफॉर मार्जिनल यूटिलिटी 40 माइनस 25 15 यूनिट्स. इफ थर्ड कप इज कंज्यूम्ड, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस फ्रॉम 40 टू 50, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम थर्ड कप इज जस्ट 10 यूनिट्स. एंड फाइनली इफ वन मोर कप इज कंज्यूम्ड, टोटल यूटिलिटी विल इंक्रीज फ्रॉम 50 टू 56 और मार्जिनल यूटिलिटी विल डिक्रीज फ्रॉम 10 टू 6 यूनिट्स. इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अजम्पशंस ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस. इट इज बेस्ड ऑन, द होल अप्रोच इज बेस्ड ऑन 3 इंपॉर्टेंट अजम्पशंस. सबसे पहले तो ये कहा गया है कि यूटिलिटी इज अ कार्डिनल कॉन्सेप्ट. ये शब्द हम आगे देख चुके हैं चार्ट में. कार्डिनल का मतलब होता है मेजरेबल. इसका मतलब ये हुआ कि जो हम चर्चा कर रहे यूटिलिटी की, इट कैन बी मेजर्ड. हाउ कैन इट बी मेजर्ड? इट्स लाइक अ क्वेश्चन यू पुट बिफोर द कंज्यूमर. आफ्टर हैविंग कंज्यूम्ड 1 कप ऑफ आइसक्रीम, हाउ मच सेटिस्फैक्शन डिड यू गेट? एंड इट कम्स आउट विद सम नंबर, दिस मच यूनिट ऑफ सेटिस्फैक्शन. आसान नहीं होगा, क्योंकि यूटिलिटी इज इनसाइड योर माइंड, इनसाइड योर ब्रेन. इट इज नॉट आउटसाइड ह्यूमन बॉडी, विच कैन बी सीन एंड विच कैन ईजिली बी मेजर्ड. मार्शल ने इसका जवाब इस तरह दिया कि जब उन्होंने बताया कि यूटिलिटी इज मेजरेबल, तो सबसे पहले उन्होंने ये कहा, लेटस यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट एंड देयरफॉर लेटस मेजर यूटिलिटी विथ हेल्प ऑफ साइकोलॉजिकल यूनिट ऑफ मेजरमेंट. और उस यूनिट का एक नाम रख दिया उन्होंने, UTIL, यूटिल. जस्ट लाइक यू मेजर क्लोथ इन मीटर्स, जस्ट लाइक यू मेजर लिक्विड और वॉल्यूम इन लीटर्स, सिमिलरली अकॉर्डिंग टू मार्शल यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स. तो आंसर ये हो सकता है कि 2 कप आइसक्रीम खाने के बाद मुझे टोटल 72 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन मिला है. इसकी काफ़ी टीका हुई कि ये जो नंबर आया 72 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन, ये कहाँ से आया, इसके पीछे विज्ञान साइंस क्या है, एंड वाई एग्जैक्टली 72, वाई नॉट 72.03, वाई नॉट 69.97? तो मार्शल ने कहा चलो इसको ऑब्जेक्टिव बनाना हो, साइंटिफिक बनाना हो, तो हम एक काम करते हैं, साइकोलॉजिकल यूनिट को बाजू में रख देते हैं एंड वी मेजर यूटिलिटी विथ हेल्प ऑफ अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन परचेजिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी. एक कप आइसक्रीम खरीदने के पीछे आपने 20 रुपये खर्च किए,
तो मार्शल के मुताबिक 20 rupees इज द यूटिलिटी दैट यू डिराइव फ्रॉम द कप ऑफ आइसक्रीम विच यू हैव परचेस्ड. सेकेंड अजम्पशन, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कॉन्स्टेंट. अभी हमने देखा फर्स्ट अजम्पशन में कि आप मनी के माध्यम से यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो, तो इसका मतलब कि मनी जो है दैट बिकम्स अ स्केल. अगर वो स्केल है तो उसका नाप कॉन्स्टेंट रहना चाहिए, इसलिए ये अजम्पशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. एंड फाइनली, यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम डिफरेंट कमोडिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. इसका मतलब कि हम ये स्ट्रांगली अज्यूम कर रहे हैं कि गुड्स आर नॉट कॉम्प्लीमेंट्री, ऑल गुड्स आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर. एट द हार्ट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस इज लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. इट इज अ वेरी फंडामेंटल टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन नेचर. इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that although human wants are unlimited, but each single want at a point of time is completely satiable. हमारी wants तो काफ़ी है, unlimited, गिन नहीं सकते, लेकिन कोई भी एक want एक point of time पे can completely be satisfied. Let us say you want ice cream, you want cake, you want cold drinks, but you cannot purchase everything. Let us say you can purchase ice cream. And if you start consuming ice cream one after one after one after one, many, many, many cups, a point will come when you will say, enough of ice cream, I don't want any extra cup of ice cream. That means that want has got completely satisfied at this point of time. We can now state law of DMU as the consumer starts consuming more and more units of homogeneous commodity continuously, then extra satisfaction derived or marginal utility derived from each extra unit starts decreasing. आसान कर देता हूँ काफ़ी मैं. As you consume more and more and more and more of the same commodity, MU, marginal utility, will continuously keep on decreasing. It will never, never, never increase. Let us look at the table to illustrate what is law of DMU. अब इस टेबल में फर्स्ट कॉलम ने वी हैव टेकन नंबर ऑफ पिज्जाज फॉर सम कंज्यूमर हु लव्स टू ईट पिज्जा, सेकेंड कॉलम टोटल यूटिलिटी एंड थर्ड कॉलम मार्जिनल यूटिलिटी. लुक एट द कॉलम ऑफ टोटल यूटिलिटी एंड यू फाइंड दैट एज यू मूव फ्रॉम फर्स्ट टू सेकेंड टू थर्ड पीस टू फिफ्थ टू सिक्स टू सेवन्थ टू एट पीस ऑफ पिज्जा, in the beginning total utility goes on increasing. Maximum of 230 units of total utility with 6th pizza consumed, uske baad total utility will start decreasing. Second observation, when total utility is increasing from 70 to 230 maximum with 6th unit of pizza, marginal utility continuously keeps on decreasing. Let us read column of MU. 70 for second pizza, 65 third pizza, 50 fourth pizza, 35 fifth pizza usse become 15 aur sixth pizza mein aap dekhoge ki marginal utility has become zero. That means when MU is zero, total utility or total satisfaction is the maximum. What after that? If the consumer was made to consume more pizzas, then his total utility will now start decreasing. Look, 7th unit of pizza consumed, total utility down to 225, 230 se 225, 5 unit ka, 5 unit ki usme kami hui hai, so minus 5 marginal utility. Aap usko force karo aur ek pizza khilao, and he says total utility just 210 units, that is 15 units to marginal utility wapas kam ho gayi hai. Last column mein aap dekhoge marginal utility never increases. Highest value with first unit and then continuously it keep on decreases, it becomes zero and then it also enters negative territory. इसी चीज़ को अगर हमें डायग्राम में प्लॉट करना हो तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी कर्व कुछ इस तरह दिखेगा. X एक्सिस पे हम ले लेंगे यूनिट्स ऑफ पिज्ज़ा कंज्यूम
और यूनिट्स ऑफ एनी अदर कमोडिटी, और वाई एक्सिस पे हम ले लेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। अभी हमने टेबल में देखा है कि फॉर फर्स्ट यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी वॉज हाइएस्ट, सेकेंड यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी वॉज लेस देन दैट, थर्ड यूनिट उससे भी कम, उससे भी कम, उससे भी कम, जीरो एंड देन इवन नेगेटिव। इफ आई ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट्स आई गेट मार्जिनल यूटिलिटी कर्व समथिंग लाइक दिस। इस एरिया में आपकी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव तो है बट इट इज डिक्रीजिंग। एक्स एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी बिकम जीरो और उसके नीचे मार्जिनल यूटिलिटी हैज बिकम नेगेटिव। द लॉ इज नॉट फुल प्रूफ, इट हैज सम लिमिटेशंस। लेट अस हैव अ लुक एट सम इंपॉर्टेंट लिमिटेशंस ऑफ दिस लॉ। सबसे पहले लिमिटेशन, द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस लाइक ऑल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूम्ड शुड बी होमोजीनियस। अदर फैक्टर्स लाइक हैबिट, प्रिफरेंसेस, टेस्ट, इनकम ऑफ कंज्यूमर, दे शुड रिमेन कॉन्स्टेंट वेन कंजम्पशन प्रोसेस इज गोइंग ऑन। और उसके साथ दे शुड बी नो टाइम गैप बिटवीन द कंजम्पशन ऑफ सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। सेकेंड, द लॉ डज नॉट अप्लाई टू कमोडिटीज लाइक गोल्ड, मनी एटसेट्रा, वेयर अ ग्रेटर क्वांटिटी मे इंक्रीज मार्जिनल यूटिलिटी फॉर इट। अब ये जो नाम मैंने दिए गोल्ड या मनी एटसेट्रा, दे ऑल आर स्पेक्युलेटिव इन नेचर। और नंबर थ्री, हमने आगे देख चुके एक इंपॉर्टेंट अजम्पशन, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर अज्यूम्ड आउट ऑफ द डिस्कशन। दैट मीन्स द लॉ डज नॉट अप्लाई इन दोज केसेस वेयर गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर और वेयर गुड्स हैव टू बी कंज्यूम्ड विथ ईच अदर। लेट अस नाउ मूव टू अनदर कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विथ थियोरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इन रिलेशन टू मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, एंड द कॉन्सेप्ट इज कंज्यूमर सरप्लस। दिस कॉन्सेप्ट ऑल्सो वॉज डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड मार्शल। इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो इन डिसीजन मेकिंग ऑफ मोनोपोलिस्ट्स। ये पाया गया है कि कई बार जब हम खरीदी करने जाते हैं तो हमें एक अनुभव होता है कि वी आर रेडी टू पे हायर प्राइस, बट वेन वी रियली पे द प्राइस वी एंड अप पेइंग लेस प्राइस। डिफरेंस बिटवीन द टू, मैं 20 रुपए देने को तैयार था लेकिन मुझे सिर्फ 15 रुपए देने पड़े, ये जो 5 रुपए मेरे पॉकेट में बच जाते हैं दैट इज कंज्यूमर सरप्लस। लेट अस राइट इट इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला, सी फॉर कंज्यूमर, एस फॉर सरप्लस, और अभी जो चर्चा हुई उसके मुताबिक राइट हैंड साइड पे सबसे पहले हम लिखेंगे विलिंगनेस टू पे। आप कितनी रकम अदा करना चाहते हो माइनस मार्केट प्राइस, लेकिन वास्तव में आप कितना खर्च करते हो। एग्जाम्पल, मैं 100 रुपए देने को तैयार था विलिंगनेस टू पे लेकिन मार्केट प्राइस सिर्फ 80 रुपए, 80 रुपीज आई पेड। डिफरेंस बिटवीन द टू 20 रुपीज इज कंज्यूमर सरप्लस। द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस इज डिराइव्ड फ्रॉम द लॉ ऑफ DMU। द कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी फॉर सम कमोडिटी एक्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। Since price is fixed for all units of the good he purchases except for the one at the margin, he gets extra utility on all previous units purchased. Total of this extra utility is consumer surplus. मुझे लग रहा है कि अगर इसको हम टेबल की मदद से समझेंगे तो ये काफ़ी आसान हो जाएगा। टेबल में ध्यान देते हैं, टेबल में चार कॉलम है। सबसे पहले नंबर ऑफ यूनिट्स, सेकेंड मार्जिनल यूटिलिटी विच इज गिवन टू अस, थर्ड प्राइस विच विल रिमेन द सेम क्योंकि ये प्राइस हमने मार्केट से हमें ये नंबर मिला है, एंड फोर्थ हमें कैलकुलेट करना होगा कंज्यूमर सरप्लस। विल डू इट वन बाय वन। फर्स्ट यूनिट में मार्जिनल यूटिलिटी 80, प्राइस वॉज 30, डिफरेंस ऑफ MU माइनस P 80 माइनस 30 50 रुपीज इज कंज्यूमर सरप्लस। सेकेंड यूनिट में लॉ ऑफ DMU, MU कम हो जाता है,
₹80 डाउन टू ₹60, प्राइस डज नॉट चेंज, 30 60 माइनस 30 30 रुपीज़। इसी तरह थर्ड यूनिट के लिए कंज्यूमर सरप्लस ₹20, फोर्थ यूनिट के लिए ₹10, फिफ्थ यूनिट के लिए ज़ीरो, क्योंकि फिफ्थ यूनिट पे ये हो रहा है कि वॉट एवर इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी सेम इज़ द प्राइस, अवर इक्विलिब्रियम कंडीशन MU इक्वल्स P। अब हमारा कंज्यूमर सिक्स्थ यूनिट नहीं खरीदेगा। टेबल में मैंने लिखा है MU इज 25, प्राइस इज 30, इफ़ यू अप्लाई द फॉर्मूला यू गेट -5, बट देन दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज माइनस कैन नॉट बी सरप्लस, सो अवर कंज्यूमर विल स्टॉप एग्जैक्टली एट फिफ्थ यूनिट ऑफ कंजम्पशन। अगर हम टोटल करें कंज्यूमर सरप्लस का तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, इक्वल टू ₹110। तो इस एग्जाम्पल में टोटल कंज्यूमर सरप्लस डिराइव्ड इज ₹110। सिमिलरली वी कैन मेजर कंज्यूमर सरप्लस फॉर अदर कमोडिटीज ऑल्सो गिवन द डेटा फॉर मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। वी कन्वर्ट दिस टेबल इन टू अ ग्राफ एंड इट लुक समथिंग लाइक दिस। ऑन एक्स एक्सिस एज सेड अर्लियर वी टेक यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन, ऑन वाई यूनिट नाउ आई विल टेक टू वेरिएबल्स, मार्जिनल यूटिलिटी एज वेल एज प्राइस। प्राइस इन द मार्केट रिमेन्स द सेम, सो माई प्राइस लाइन विल बी हॉरिजॉन्टल और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व हम पहले देख चुके हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ DMU, एंड देयरफॉर इट वुड बी लाइक दिस, डाउनवर्ड स्लोपिंग। जीरो नेगेटिव की बात हम नहीं करेंगे बिकॉज वी डोंट वॉन्ट दैट, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ये MU कर्व प्राइस लाइन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, इसको मैं तो बोल्ड कर रहा हूं, और वहां से मैं एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहा हूं नीचे की तरफ, विच विल गिव अस इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर। इसको हम नाम दे दे कैपिटल ई इस पॉइंट को, और वाई एक्सिस पे हम नाम दे दे पॉइंट बी जहां पे MU कर्व टच हो रहा है। अब फॉर्मूला ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, विलिंगनेस टू पे, हाउ मच वॉज अवर कंज्यूमर विलिंग टू पे। तो इस डायग्राम में अवर कंज्यूमर वॉज विलिंग टू पे ओ बी ई क्यू वन। आई विल शो यू विथ हेल्प ऑफ द डायग्राम। हम यहां से स्टार्ट करते हैं, ओ ओ से बी की तरफ, बी से ई की तरफ, और ई से वापस क्यू वन की तरफ। दिस इज वॉट अमाउंट ऑफ मनी कंज्यूमर वॉज विलिंग टू पे, बट ही डिड नॉट पे दिस बिग अमाउंट ऑफ मनी बिकॉज ऑफ मार्केट प्राइस अप टू क्यू वन। क्यू वन को बाजू में रख दीजिए, उसके पहले जितने भी यूनिट्स का कंजम्पशन हुआ है वहां पे एक पॉजिटिव कंज्यूमर सरप्लस है। प्राइस लाइन PE इक्विलिब्रियम E पे हो रहा है, एंड देयरफॉर माइनस मार्केट प्राइस दैट ही हैज पेड इज ओनली OP इनटू Q1O। दैट मींस हम मल्टीप्लाई कर रहे एरिया ऑफ रेक्टेंगल OPEQ1। अब जो शेष बचता है डिफरेंस ऑफ द टू इज अवर ट्राइंगल। इस डायग्राम में मैं शेडिंग कर देता हूं, ट्राइंगल PBE, दिस इज अवर कंज्यूमर सरप्लस इन फॉर्म ऑफ डायग्राम, नथिंग डिफरेंट देन व्हाट हैज बीन एक्सप्लेन टू यू विथ हेल्प ऑफ अ टेबल। फाइनली लिमिटेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। सबसे पहला लिमिटेशन ये है कि दिस कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी एक्यूरेटली और परफेक्टली मेजर्ड बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी। सेकेंड, इन केस ऑफ नेसेसरीज लाइक मेडिसिन वाटर एट्सेट्रा, मार्जिनल यूटिलिटी इज इनफाइनाइट एंड देयरफॉर कंज्यूमर सरप्लस इज ऑल्सो इनफाइनाइट। थर्ड, इट इज डिफिकल्ट टू मेजर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्रेस्टीज कमोडिटीज लाइक डायमंड्स, देयरफॉर इवन इन सच केसेस यू कैन नॉट मेजर कंज्यूमर सरप्लस। एंड फाइनली मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कॉन्स्टेंट एंड देयरफॉर कंज्यूमर सरप्लस कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। स्टिल विथ ऑल दिस लिमिटेशंस इट इज एन इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल टूल इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट्स
and monopolists in deciding upon their policies.